दास्तान गोई इस सत्र में आप सभी का स्वागत। कहानी सुनना हम सभी को बहुत पसंद है और जब वो कहानी अभिनय के साथ, आवाज के उतार चढ़ाव के साथ प्रस्तुत होती है तो उसका मजा ही कुछ और है। दास्तान गोई इसी कला का नाम है। आज मंडी थिएटर की प्रस्तुति है ये, अकबरी लोटा इस नाम से, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं अलका शर्मा और श्वेता सिंह। अलका शर्मा मंडी थिएटर शिकागो की संस्थापक हैं, अभिनेत्री, लेखिका, कवयित्री, चित्रकार, यानी एक बहुआयामी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व हैं आप। आपके साथ श्वेता सिंह, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन रेडियो होस्ट भी रह चुकी हैं और मंडी थिएटर की एक सदस्य भी हैं। तो आप सभी के साथ मैं भी उत्सुक हूं अकबरी लोटा ये कहानी सुनने के लिए। आप सबका स्वागत है आज की शाम में दास्तान गोई के साथ। दोस्तों, दास्तान गोई एक ऐसी कला है जिसमें तीन हिस्से होते हैं। पहला जो दास्तान सुनाए, जैसे कि मैं और श्वेता। दूसरा जो दास्तान सुने, यानी कि आप सभी श्रोतागण। और तीसरे यहाँ का माहौल, और इस माहौल को मजेदार बनाए रखना आप सभी श्रोताओं के हाथ में। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आएगी। ये कहानी अन्नपूर्णा नंद वर्मा जी की है, जो कि बनारस यानी कि काशी यानी कि उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनकी कहानियाँ शिष्ट हास्यरस यानी कि सिविक कॉमेडी सेंस के हिसाब से बहुत ही मशहूर है। यहाँ तक कि एनसीईआरटी यानी कि इंडियन करिकुलम में भी आप इसको पा सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी की करते हैं शुरुआत। कहानी बड़ी मजेदार है। इस कहानी में है लाला झावला, उनके परम प्रिय मित्र पंडित बिलवासी मिश्र और एक अदर ग्रेट अंग्रेज साहब और अकबरी लोटा। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। काशी के छठेरी बाजार में, जो कि विश्व प्रसिद्ध बाजार था, काशी के छठेरी बाजार में लाला झावला का 3 मंजिला मकान था। नीचे बहुत सारी दुकानें थी, बढ़िया किराया आता था, खूब पैसे वाले थे। लेकिन जमाना था कोई 1920 1930 का, तो इतनी कमाई भी ना होती थी उनको कि कभी एक साथ 250 रुपये भी देखने को मिले। वैसे घर में 2 ही प्राणी थे, मियाँ और बीवी। कच्चे बच्चे थे नहीं, बचत होती थी, मगर 250 रुपये के बारे में अगर सोचे कभी न देखे थे उन्होंने। अजनाब रहन सहन में हो जाता था गुजारा, लेकिन 250 रुपये यकायक जब पत्नी जी ने मान लिए, बेचारे लाला झावला का तो चेहरा ही उतर गया। ये क्या मान लिया पत्नी जी ने 250 रुपये, इस पर पका गए बेचारे। और पत्नी जी, जैसे आजकल की पत्नियां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। इतराती हुई बोली, देखिए आपसे ना हो पाए तो बता दीजिए, हम अपने भाई जी मान लेंगे। ओ थक तेरे की, बेचारे लाला झावला एकदम खिसिया गए। क्या बात करती हो, 250 रुपये के लिए भाई के आगे हाथ फैलाओगी? हमसे ले ली ना? आपसे तो ले ही लेंगे, लेकिन हमें इसी जन्म में चाहिए। ओ, इसी जन्म में नहीं मेम साहब, इसी सप्ताह में ले लेना भाई। अजी, सप्ताह से आपका मतलब 7 दिन है, 7 साल या 7 जन्म? लाला जी को तो बड़ा गुस्सा आया कि क्या बोल दिया मेरी पत्नी ने, लेकिन फिर बोले, मर्द की एक बात लिख लो, आज से ठीक 7 दिन रोज 250 रुपये गिन लेना। बिल्कुल ठीक है, गिन लेंगे। बातों ही बातों में दोस्तों 4 दिन निकल गए, पैसों का इंतजाम हुआ नहीं। अकड़ में बोल तो दी गए, गिन लेना, कहाँ से गिने। परेशान से लाला जी इधर उधर टहल रहे थे, मर्द की एक बात ये फिक्रा उनके कानों में रह रहकर गूंज। वादा जो कर दिया था, प्रश्न था
प्रतिष्ठा का, अपने ही घर में अपनी साख का। हाय तो क्या कहते बेचारे, कितनी बार अपनी पत्नी को आम पतियों की तरह अपनी कितनी गाथाएं सुना चुके थे। वाह 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 करके पत्नी भी थक गई थी। अब अगर 250 रुपए न गिर पाए तो पत्नी के आगे क्या हश्र होना है। ये तो तय था कि अगर 250 रुपए नहीं गिन पाए तो पत्नी फांसी तो नहीं लगाएगी, लेकिन औरतों की तरह वो जब जरा सा हंस के कहेगी क्या हुआ, तो बेचारे लाला जी सोच सोच के घबरा रहे थे। और यही घबराहट पांचवे दिन जा पहुंची। जी हाँ, पांचवा दिन आ गया, रुपयों का कोई इंतजाम नहीं हुआ, अब क्या करें। फिर उन्हें अचानक याद आई अपने दोस्त पंडित बिरवासी मिश्र की। फौरन बुला भेजा, दोस्त देखो ये विपदा आन पड़ी है, कुछ तो मदद करो। अब देखो बिल्ली के भाग से चीका डंपे। बिरवासी जी की भी उन दिनों कड़की चल रही थी। तपाक से कह दिया, दोस्त मेरे पास तो है नहीं, लेकिन अब तुमने मांगा ही है तो कहीं से मांग जांच कर पाने की कोशिश करता हूँ। अगर मिल गए तो कल यानी छठे दिन यहीं पर मिलूंगा, इसी जगह इसी समय। और जनाब छठा दिन भी आ गया, बेचारे लाला जी छत पर खड़े हुए परेशान हैरान। आज पत्नी जी जब आएंगी 250 रुपए की मांग करेंगी, कोई हिसाब नहीं रह पाएगा। चारे लाला जी उधेड़ बुन में कभी उधर कभी इधर छत पर चहलकदमी कर रहे थे, और इतने परेशान थे बेचारे मर्द की एक बात कहाँ गई, मर्द की एक बात। बिल्कुल, ताव ताव में बड़ी बात तो कह दी, अब क्या करें। खैर जैसा कि श्वेता ने बताया, लाला जी परेशानी में टहलने लगे, इस कोने से उस कोने, उस कोने से इस कोने। लगाई प्यास, अब प्यास लगी तो नौकर को आवाज लगाई, लेकिन लाला जी के घर में उन दिनों नौकर था नहीं, उनके यहाँ भी थोड़ी गड़की चल रही थी। पत्नी प्रकट हुई पानी ले। प्रकट तो हुई जनाब, जैसा कि ज्यादातर अच्छी पत्नियां करती हैं, और पत्नी कैसे होते हैं, तुरंत आवाज लगाते हैं नालायकों की तरह, अजी पानी। नौकर था नहीं, पत्नी पानी तो ले आई लेकिन गिलास भूलाई, लोटे में ही पानी ले आई। लाला जी ने लोटा देखा, लोटा देखते ही लाला जी का पारा हो गया गरम। लोटा भी कौन सा, पहले दिन वो जब घर में आया था ना, उस दिन से वो लाला जी को बिल्कुल नापसंद था। शक्ल देखो उस लोटे की तो ऐसा लगे जैसे उसका बाप डमरू था और माँ चिरमची थी, इतना टेढ़ा टेढ़ा। लेकिन अब प्यास लगी है तो पीना तो पड़ेगा ही, कुछ कर भी नहीं सकते थे, हाथ बढ़ाया लोटा ले लिया। लोटा ले लेती तो क्या करते, लाला जी ने सोचा अभी अगर मैंने चू भी की तो क्या पता खाना रात को बाल्टी में मिल जाए। इसलिए लाला जी ने शांति से सब पतियों की तरह लोटा लिया, पहले गुस्सा पिया और फिर धीरे धीरे पानी पीने लगे। बस पानी पीते समय ही घट गई वो घटना जिसके बारे में बड़े बड़े भविष्यवक्ता भी पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। ये खड़े पानी पी रहे थे, हाथ छलक गया। अब जिन बड़े बुजुर्गों ने ये नियम बनाया है कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, दुर्घटना हो सकती है, वो ये नहीं बताकर गए कि खड़े खड़े मुनेर के किनारे नहीं पीना चाहिए। बस वही गलती हो गई, नियम में कुछ लिखा था नहीं, हाथ छलक गया, लोटा यूं गिर गया और यूं लुढ़कता हुआ गली में चल पड़ा। और क्या जनाब, तिमंजला मकान था, ठटेरी बाजार था, कोई मजाक था, टन टन टन। याद है ना आपको न्यूटन नामक एक खुराफाती आदमी क्या कह गया, ग्रेविटी जनाब, बस पृथ्वी की सारी आकर्षण शक्ति उसमें लोटे में ही घुस गई, और ये चला लोटा वो चला लोटा और दूर निकला लोटा। जैसे ही दूर निकला लोटा, गली में पड़े जोर का हल्ला मचा। लाला जी घबरा गए, ये क्या हुआ, उल्टे पांव सीढ़ियों से नीचे पहुंचे। नीचे पहुंचे तो क्या देखते हैं, आंगन में मजमा लगा है और उस मजमे में बीचों बीच सेंटर कैरेक्टर के मुख्य भूमिका में एक अंग्रेज महाशय। आउच, ओह यू स्टूपिड 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 मैन, डोंट हैव आईज, आउच आउच। देखा, समझ में आई, ये
वही अंग्रेज महाशय हैं जो भीड़ के बीच खड़े होकर अंग्रेजी में संवाद अदायगी कर रहे हैं, डायलॉग डिलीवरी। आज समझ में आया लाला जी को कि अंग्रेजी भाषा में भी गालियों का इतना प्रकांड कोश है। You scoundrel! देखो, देखा नहीं है? No eyes God is giving you. Oh, my foot hurts. My foot hurts. Damn you, you. खैर, लाला जी को तो कुछ समझ में आई नहीं। उधर लोटा ओझल हुआ, वही सोच रहे थे और तभी अचानक देखते हैं जिस दिशा में लोटा ओझल हुआ था उसी दिशा से पंडित बिलवासी तीरी की तरह आ रहे हैं आंगन में। आंगन में आते ही बिलवासी जी ने दो बड़े अच्छे काम किए। पहला काम तो ये किया कि अंग्रेज साहब को कुर्सी दी। साहब आप बैठ जाइए, आपको चोट लगी होगी। हाँ आराम कीजिए, बैठ जाइए। थैंक यू। और दूसरा सबसे बड़ा अच्छा काम उन्होंने ये किया कि ये जो सारी की सारी भीड़ मुफ्त का तमाशा देखने के लिए आंगन में घुस आई थी उन सबको रफा दफा किया। ए चलिए निकलिए, मुफ्त का तमाशा है क्या, बाहर निकलिए, जाइए बाहर जाइए। ऐसा है कि ये सब देखने के तुरंत बाद ही अंग्रेज साहब तो बैठ गए, बोले थैंक यू। डू यू नो दिस स्काउंडरल, डू यू नो हिम? लाला की तरफ देखकर पंडित बिलवासी जी तपाक से बोले, नहीं, मैं ऐसे किसी आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो राह चलते लोगों पर लोटा फेंक फेंक कर वार करता है। नहीं, मैं नहीं जानता इसे। Oh, thank God. He's such a ruffian. यह भी मेरे को पागल मालूम होता है। He's a bloody lunatic. हाँ, बिल्कुल साहब, आप सही बोल रहे हैं, ये पागल ही है। मुझे तो लगता है इसे जेल में दे देना चाहिए। Very true. चलिए, जेल कहाँ है? जेल पुलिस थाने में होगी, मैं आपको अभी बता देता हूँ। लेकिन जनाब, अगर आप मुझे 2 मिनट का वक्त दें तो मैं इस लाला जी से ये लोटा खरीदना चाहता हूँ। ये लोटा दोगे? क्यों लाला जी, बोले यू सेइंग दीस इंडियंस, माय गॉड, दीस इंडियंस, ये रद्दी सा लोटा, इससे मुझको छोड़ लगा है, इसको क्या करेगा? रद्दी? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? ऐसा बिलवासी ने कहा। आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? मैं तो आपको पढ़ा लिखा समझता था। जी जनाब, ये जो लोटा आपको टूटा फूटा बेकार सा लग रहा है, रद्दी लग रहा है, दरअसल हमें तो लगता है कि ये वही विश्व प्रसिद्ध अकबरी लोटा है। इसकी खोज में दुनिया भर के म्यूजियम वाले परेशान हैं। सही बताते हैं? जी जनाब, बात ऐसी है, हुमायूं की लड़ाई हुई थी शेरशाह से और हुमायूं उससे डरकर भागा सिंध के रेगिस्तान में। Really? और भागा फिर रहा था और तभी उसे लगी प्यास, न जाने कहाँ से ब्राह्मण प्रकट हुआ और उसके पास वही लोटा था। उसने इसी लोटे से हुमायूं की प्यास बुझाई, तब सब ठीक हुआ। Really? Wow, actually, लेकिन ये लोटा यहाँ कैसे पहुँचा? जनाब, हुमायूं के बाद अकबर बैठे गद्दी पर, अकबर ने तुरंत उस ब्राह्मण को ढूंढ बुलाया जिसने इस लोटे से उनके अब्बा जान की प्यास बुझाई थी। उनसे लोटा लिया, बदले में सोने के 10 लोटे दिए। जनाब, 10 लोटास? बिल्कुल 10 लोटे दिए जनाब। और आपको पता है, उसके बाद अकबर ने उस लोटे को सीने से लगा के रखा, दिन रात उसे निपटाए घूमता था। सुनने में आया है इसी से वजू भी किया करता था। 1957 तक तो इस लोटे के शाही घराने में रहने की बात है, उसके बाद न जाने कहाँ लापता हो गया। Really? Hey, फिर वापस इधर कैसे आया लोटा? आप बातें बहुत करते हैं जनाब, आप वापस आ गया तो आ गया, अब उन सब बातों को छोड़िए, मैं तो ये लोटा खरीद लेता हूँ लाला जी 50 रुपए में। Oh, no, stop. एक्चुअली मेरे को भी पुराने चीज खरीदने का बहुत शौक है। इनफैक्ट जब ये लोटा मेरे सर पर गिरा तो मैं पुरानी चीज ही खरीद रहा था, वहाँ उस दुकान पर से पुराना पीतल का मूर्ति ले रहा था। जनाब, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है कि आपके शौक क्या है। ये लोटा अब मेरे घर की शोभा बढ़ाएगा, हम कह देते हैं। ऐसा करते हैं, हम दाम लगाते हैं, जो अधिक दाम दे लोटा उसी का। जी, मैंने 50 दिए। तुम्हारा पेड़ पर गिरा के मेरा आपके लोटे से नहाया तुम के मैं आप लोटे का कुर्ता किसने बनाया?
100 देता है, यू इंडियन मैं 150 देता है। मैं 200 देता हूँ। 200? मैं 250। अरे मैं भी दे सकता हूँ 250, क्या बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसा कहकर दिलवासी जी ने यूं तमाक से लाला जी के आगे ऐसे लहरा कर 250 रुपए फेंक दिए। ये तुम्हारा 250? मैं जा रहा हूँ अपना 500 रुपीस। Here, now, now tell me. बस यहीं पे वो घटना हो गई। जैसे ही 500 रुपए देखे, तुरंत बिलवासी जी ने अपने 250 वापस समेट लिए और बोले, साहब ले जाइए, आप जीत गए, लोटा आपका हुआ। very good, अब मैं उस मेजर डॉगलेस को बता दूंगा। वो सोचता है सिर्फ वही इंडिया से ऐसी चीजें ले जा सकता है। मेजर डॉगलेस, you watch. मेजर डॉगलेस, अब ये कौन नया कीड़ा है? ओह मेजर डॉगलेस, मेजर डॉगलेस मेरा पड़ोसी है, लंदन में। उसको भी पुराना चीज खरीदने का शौक है, हमेशा झींगे मारता रहता है। पिछले साल वो क्लासिक जहांगीरी अंडा लेके गया था। जहांगीरी अंडा? जहांगीरी अंडा इज अ लॉन्ग स्टोरी। एनीवेज, तुमको पता है ना जहांगीर ब्यूटीफुल अंदाज को कितना लव करता था। ये तो ब्यूटीफुल था, नूरजहां ब्यूटीफुल था। ये तुम्हें पता क्या बोल रहे साहब? ओहो एनीवेज, तो नूरजहां और जहांगीर का प्रेम एक कबूतर से हुआ था। और जहांगीर अंडा कथाया समाप्त।